हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल टॉक अबाउट जॉर्ज हर्बर्ट ऑफ जैकोबियन एज। जैकोबियन एज के फेमस राइटर जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। लेट अस स्टार्ट। जॉर्ज हर्बर्ट, ही बिकेम यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज ओरेटर, ये कैम्ब्रिज के ओरेटर बने थे। ठीक है, यूनिवर्सिटी कौन सी? कैम्ब्रिज के ओरेटर बने थे। ही बिकेम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। आपको याद रखना है, बिकेम ओरेटर एंड ही बिकेम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ही बिकेम मेंबर एंड मिनिस्टर ऑफ चर्च, ही ऑल्सो बिकेम मेंबर एंड मिनिस्टर ऑफ चर्च। ही बिकेम फ्रेंड विथ निकोलस फेरर, ये निकोलस फेरर के फ्रेंड थे। हेनरी वैगन कॉल्ड हिम द मोस्ट ग्लोरियस सेंट एंड फेरर। हेनरी वैगम हमने लास्ट वीडियो में अपना करा है, तो इनका मेरे लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। हेनरी वैगन ने बोला है इनको मोस्ट ग्लोरियस सेंट एंड फेरर साधु। ही इज़ रिकग्नाइज एज वन ऑफ द फॉरमोस्ट ब्रिटिश डिवोशनल लिरिक्स्ट, इनको फॉरमोस्ट ब्रिटिश डिवोशनल लिरिस्ट भी बोला गया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इनका इंट्रोडक्शन, इनके बारे में रिचर्ड बास्टर रोट ए बायोग्राफी ऑफ जॉर्ज हर्बर्ट। किसने लिखा है? रिचर्ड बास्टर ने लिखी है बायोग्राफी जॉर्ज हर्बर्ट। एंड सेज हर्बर्ट स्पीक्स टू गॉड, वो गॉड के साथ बात करते थे। लाइक वन दैट रियली बिलीव टू गॉड एंड हुज बिजनेस विद द वर्ल्ड इज मोस्ट विद द गॉड। ओके, तो रिचर्ड बास्टर ने उनके बारे में ये बोला है। ओके, एंड रिचर्ड बास्टर ने बोला है हार्ड वर्क एंड हेवन वर्क मेक अप हिज बुक्स। हार्ड वर्क एंड हेवन वर्क मेक अप हिज बुक्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्कने एग्जाम्स। तो आपको याद रखना है, रिचर्ड बास्टर ने इनकी बायोग्राफी लिखी है और उन्होंने इनके बारे में लिखा है हार्ड वर्क एंड हेवन वर्क मेक अप हिज बुक्स। ओके, एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज इन 1920, सैमुअल टेलर कॉलरिज इन 1920 रोट हर्बर्ट सेइंग दैट, रोट अबाउट हर्बर्ट सेइंग दैट नथिंग कैन बी मोर प्योर मेनली एंड अनअफेक्टेड। ठीक है, तो उनके बारे में सैमुअल टेलर कॉलरिज जो 90s के राइटर थे, उन्होंने भी लिखा है 1920 में कि नथिंग कैन बी मोर प्योर मेनली एंड अनअफेक्टेड। ओके, तो इनके वर्क्स हम डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट वर्क, द फेमस वर्क ऑफ हर्बर्ट इज द टेम्पल। ओके, एंड इसका सब टाइटल है सीक्रेट पोएम एंड प्राइवेट इजाकुलेशंस। सीक्रेट पोएम एंड प्राइवेट इजाकुलेशंस, आपको नाम याद रखना है। सब टाइटल, बहुत बार सब टाइटल्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। एंड इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ये एक कलेक्शन है पोएम्स का। इट वाज ए प्रीफेस बाय निकोलस फेरर एंड पब्लिश बाय निकोलस फेरर। ओके, ये पब्लिश किसने करवाया था? निकोलस फेरर ने। एंड इजाक वॉल्टन जो बायोग्राफर है हर्बर्ट के, सेंड दैट मैन्यूस्क्रिप्ट टू फेरर। ही सेड टू फेरर ही शैल फाइंड इन इट द पिक्चर्स ऑफ मैनी स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर पास्ट बिटवीन मी एंड माई सोल बिफोर आई वुड सब्जेक्ट माइंड टू द विल ऑफ जीजस माई मास्टर। इन्होंने ये लिखा है, इजाक वॉल्टन ने अपनी बायोग्राफी में हर्बर्ट के बारे में लिखा है कि वो एक सेंट थे, मैन्यूस्क्रिप्ट उनकी लिखी है। ओके, तो आपको ये याद रखना है। द नेक्स्ट इज, इसमें इन्होंने एक विंडो पोएम के अंदर, एक फेमस टेम्पल के अंदर जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है उनमें एक फेमस पोएम है विंडो के नाम से। विंडो पोएम है ये टेम्पल में। ही कंपेयर द टीचर टू द ग्लास, उसमें इन्होंने टीचर को, प्रीचर को उन्होंने किससे कंपेयर किया है? ग्लास से कंपेयर किया है। ही सेज प्रीचर इज़ लाइक ए ग्लास थ्रू विच गॉड लाइक शाइन मोर इफेक्टिवली देन इन हिज वर्ड्स। ठीक है, तो जो टीचर होता है वो ग्लास की तरह होता है, थ्रू विच गॉड लाइक शाइन मोर इफेक्टिवली देन इन वर्ड्स। ओके, एंड इसका एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द टेम्पल इज ए पोएम ऑफ कलेक्शंस बाय, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम्स में। द टेम्पल इज ए पोएम ऑफ कलेक्शंस बाय, आंसर इज जॉर्ज हर्बर्ट। यू हैव टू रिमेंबर दिस, आंसर इज जॉर्ज हर्बर्ट। द नेक्स्ट इज द प्रीस्ट, द नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज द प्रोज वर्क है ये,
द प्रीस्ट. ओके, तो आपको याद रखना है दिस इज ए प्रोज वर्क, आल्सो कॉल्ड कंट्री पार्सन भी बोलते हैं इसे. तो कंट्री पार्सन, ये शॉर्ट नोट्स है, ब्रीफ नोट्स है सिर्फ, ठीक है. हमें डीप पढ़ना है तो हम ये रिवीजन होने के बाद में हम डीप स्टडी भी एक एक टॉपिक पे करेंगे. तो इसमें जो द प्रीस्ट टू द टेम्पल, इट इज़ ए प्रोज वर्क एंड आल्सो कॉल्ड इज कंट्री पार्सन. दिस इज़ ओनली प्रोज वर्क रिटन बाय हर्बर्ट. ये एक ही प्रोज वर्क है जो हर्बर्ट ने लिखा है. एंड इन दिस ही एडवाइसेस द रूलर क्लर्जी मेंबर्स एंड गिव प्रैक्टिकल एडवाइस हाउ ए गुड क्लर्जी मैन शुड बिहेव. वो प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहे हैं मेंबर्स को, रूलर क्लर्जी मेंबर्स को, कि कैसे एक क्लर्जी मैन को कैसे बिहेव करना चाहिए, ठीक है, कैसे उसे ठीक से रहना चाहिए. एंड बर्नाबास ओले, क्या नाम है, बर्नाबास ओले ने बोला है, दिस वर्क हैज़ अप साइन प्रीफेस बाय ओले विच इज़ यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ इजाक वाल्टन बायोग्राफी ऑफ हर्बर्ट. जो इजाक वाल्टन ने बायोग्राफी लिखी है उसका भी सोर्स बर्नाबास ओले के वजह से इन्हें मिला है, प्रीफेस लिखा है इन्होंने. ओके, साइन अप किया है इनका प्रीफेस. द नेक्स्ट इज ए पोएम, द थर्ड इज ए पोएम कॉन्सिक्रेटेड टू द मेमोरी ऑफ माय मदर. ए पोएम कॉन्सिक्रेटेड टू द मेमोरी ऑफ माय मदर. इसमें क्या है, इन दिस वर्क ही वॉज टॉकिंग अबाउट द डेथ ऑफ मैकडिवेलन. वो मैकडिवेलन की डेथ के बारे में इसमें बात कर रहे हैं. ओके, दिस इज़ द ओनली वर्क विच हर्बर्ट पब्लिश ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. ये एक ही वर्क है जो हर्बर्ट, जॉर्ज हर्बर्ट के लाइफ टाइम में पब्लिश हुआ था. ओके, तो ये आपको याद रखना है, द पोएम कॉन्सिक्रेटेड टू द मेमोरी ऑफ माई मदर. द नेक्स्ट इज सेट ऑफ पी, द नेक्स्ट इज सेट ऑफ पी. सच पोएम्स आर कॉल्ड टाइपो ग्राफिकल पोएम्स भी बोलते हैं इनको. टाइपोग्राफिकल क्या होता है, टाइपिंग, टाइप मतलब, टाइपो मतलब टाइपिंग, एंड ग्राफिकल मतलब क्रिएटिंग ग्राफिकल इमेज, कुछ भी ग्राफिकल मतलब क्रिएटिंग ग्राफिकल इमेज, कुछ भी ग्राफिकल इमेज को बनाना, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, टाइपोग्राफिकल. तो ये पोएम जो है सेट ऑफ पी, ये टाइपोग्राफिकल पोएम है. जैसे कि इन आल्टर एंड ईस्टर विंग्स पैटर्न पोएम, इन दिस पोएम्स वी फाइंड दैट एक पैटर्न, कुछ भी पैटर्न वो बनाते हैं पोएम से. जैसे एम का पैटर्न लिख लिया, ऐसे लिखेंगे फिर ऐसे लिखेंगे, तो एक वो पैटर्न के थ्रू लिख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं टाइपोग्राफिकल. जैसे विंग्स बना दी, एम बना दिया, विंग्स कुछ भी, तो उसको बोलते हैं टाइपोग्राफिकल पोएम्स. ओके, तो ये इनका है टाइपोग्राफिकल पोएम्स. इसमें जो ईस्टर विंग्स उन्होंने लिखी है उसमें यूज़ किया है इन्होंने इसको, टाइपोग्राफिकल पोएम्स को. दिस टाइप ऑफ पोएम्स, पैटर्न पोएम्स बोलते हैं इनको, वाज क्रिटिसाइज बाय जोसेफ एगर्सन. जोसेफ एगर्सन ने इन्हें क्रिटिसाइज किया है. ओके, एंड और जोसेफ एगर्सन कौन, 18th सेंचुरी के थे. ही कॉल्ड दिस काइंड ऑफ पोएट्री एज फॉल्स विट. उन्होंने दिस इसका इस तरीके की पोएट्री को फॉल्स विट बोला है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, फॉल्स विट बोला. एक्चुअल नेम ऑफ सच पोएट्री इज नोन एज कॉन्क्रीट पोएट्री भी बोलते हैं. एंड राइटर्स लाइक हर्बर्ट शोकेस द दिस कॉन्क्रीट पोएट्री इन ऑर्डर टू टॉक अबाउट देर थीम एंड देर रिलीजियस सब्जेक्ट. जो उनका थीम और रिलीजियस सब्जेक्ट को बात करने के लिए वो इस टाइप की पोइट्री यूज़ करते थे. और एक्चुअल क्या है, इसे कॉन्क्रीट पोइट्री भी बोलते हैं, आपको याद रखना है. और क्वेश्चन एक पूछा गया था, इन पोएम्स लाइक आल्टर एंड ईस्टर विंग्स जॉर्ज हर्बर्ट एक्सप्लॉइट्स डैश स्पेस. कौन सा, टाइपोग्राफिक स्पेस. उन्होंने टाइपोग्राफिक स्पेस से पोएम्स लिखे थे. ओके, तो ये आपको याद रखना है. द नेक्स्ट वन इज कॉलर, द नेक्स्ट वन इज कॉलर. ओके, तो नेक्स्ट वन इज कॉलर. जैसे कि जो कुत्ते के गले में बांधा होता है उसे कॉलर कहते हैं ना. इन दिस हर्बर्ट सेज, जो कॉलर मेरे गले पर बंधी हुई है, इट रिप्रेजेंट गॉड अथॉरिटी ओवर मी. तो उन्होंने बोला है कि जो गॉड की अथॉरिटी मेरे ऊपर है, उनका हक मेरे ऊपर है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड कॉलर सिंबलाइजेस रेस्ट्रिक्शन. इसमें कॉलर किसको सिंबलाइज कर रहा है, रेस्ट्रिक्शंस को. जो गॉड ने रेस्ट्रिक्शंस हमें दे रखी है, हमें उन रेस्ट्रिक्शंस पे
बांध रखा है उनको सिंबलाइज कर रहा है। इसमें स्टैंजा वन के बारे में बात कर लेते हैं। इन द फर्स्ट लाइन कौन सा पोएम की बात कर रहे हैं? द कॉलर। और इस पोएम में जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट स्टैंजा है, इन द फर्स्ट लाइन द पोएट सेज ही विल नॉट टॉलरेट द लाइफ ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंड स्लेवरी एनी मोर। वो बोलते हैं कि मैं इस टाइप की रेस्ट्रिक्शन और जो स्लेवरी है, नौकर, मैं नहीं बन के रह सकता। ही वॉन्ट्स टू लीव ए लाइफ ऑफ डिज़ायर एंड लॉन्गिंग विच कैन नेवर बी पॉसिबल इन द सर्विस ऑफ गॉड एंड चर्च। मैं ऐसी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ जिसमें डिज़ायर हो, लॉन्गिंग हो, जो सर्विस ऑफ गॉड, जब भगवान की सर्विस देते हुए, चर्च की सर्विस देते हुए पॉसिबल नहीं है। एंड ड्यूटीज ऑफ प्रिस्ट इज़ मोर लाइक स्लेवरी। जो ड्यूटी है प्रिस्ट की वो स्लेवरी की तरह ही है। ही इज़ कंपेयरिंग फ्रीडम टू दैट ऑफ रोड, विंड एंड स्टोर हाउस। फ्रीडम को इन्होंने रोड के साथ, विंड के साथ, हवा के साथ एंड स्टोर हाउस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। एंड सेकेंड स्टैंजा में ये बात कर रहे हैं, ही इज़ कंप्लेनिंग दैट ही डिड नॉट गेट एनी थिंग इवन आफ्टर सर्विंग गॉड। वो कंप्लेन कर रहे हैं कि इतना भगवान की सेवा करने के बाद में भी, इतने सालों से करने के बाद में भी मुझे कुछ भी नहीं मिला है। ही सेज नाउ आई डू व्हाट एवर आई वॉन्ट्स टू डू। अब मैं वही करूँगा जो मुझे करना है, जो मेरा दिल कहता है। इन द लास्ट लाइन गॉड सेज माई चाइल्ड डू नॉट बी रैश। लास्ट लाइन में गॉड क्या बोलते हैं? माई चाइल्ड डू नॉट बी रैश, गुस्सा मत कर। ये सुनते ही वो कहते हैं, मुझे माफ़ करो, मैं भगवान तेरे ही रास्ते पर चलूँगा। एंड पोइट्री सेज माय लॉर्ड आई एम सॉरी। लास्ट में वो बोलते हैं, माय लॉर्ड आई एम सॉरी। तो ये पोएम था जॉर्ज हर्बर्ट का कॉलर। ओके, एंड ओपनिंग लाइन्स थी इसकी, ये लास्ट लाइन है, ओपनिंग लाइन्स थी इसकी, आई स्टक द बोर्ड एंड क्राइड नो मोर आई विल अब्रॉड। क्या लाइन थी? आई स्टक द बोर्ड एंड क्राइड नो मोर आई विल अब्रॉड। मतलब है अब मैं और नहीं सहूंगा, मैं फ्री होना चाहता हूँ। ओके, तो फर्स्ट लाइन ये थी, लास्ट लाइन ये है, माई लॉर्ड आई एम सॉरी। और गॉड कहते हैं कि माई चाइल्ड डू नॉट बी रैश। तो ये इनका पोएम था कॉलर। द नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। द नेक्स्ट वन इज डिसिप्लिन। थ्रो अवे द रॉड, थ्रो अवे थाय व्रत, ओ माई गॉड टेक द जेंटल पाथ। ये इनकी लाइन है डिसिप्लिन में। ओके, इसका मतलब है, ही फॉलो गॉड रूल्स सेड इन बाइबल, लव कैन चेंज द स्टोन हार्टेड पीपल। प्यार से किसी को भी बदला जा सकता है, प्यार पत्थर दिल को भी पिघला देता है। लव कैन हील थिंग्स सो क्विकली, जो घाव है वो भी प्यार से बहुत जल्दी भर जाते हैं। और इसकी एंडिंग लाइन्स है, ही सेज गॉड बी थ्रो अवे हिज रॉड एंड टीच मी हिम बाय लविंग हिम। आप अपनी रॉड को दूर रखो और प्यार से मुझे टीच करो। क्वेश्चन इसका बना था, एक क्वेश्चन आया था, थ्रो अवे द रॉड, थ्रो अवे द व्रत, ओ माई गॉड टेक द जेंटल पाथ। ये किसमें, कौन सी, किसकी लाइन्स है? ये डिसिप्लिन के लाइंस है। तो हमें याद रखना है, इट इज़ रिटन बाय जॉर्ज हर्बर्ट इन डिसिप्लिन। ओके, एंड देन लास्ट वन इज द एग्ने। द एग्ने इसके स्टैंजास हम बात कर लेते हैं। टॉक्स अबाउट, फर्स्ट स्टैंजा टॉक्स अबाउट दिस वर्ल्ड एंड सेज नथिंग कैन बी एक्सप्लोर्ड बाय ह्यूमन। इन्होंने फर्स्ट स्टैंजा में बोला है कि कुछ भी एक्सप्लोर ह्यूमन ने नहीं किया है, वी हैव साइंटिस्ट एक्सेट्रा, लेकिन हमने कौन भी एक्सप्लोर नहीं किया है। ह्यूमन कीप ऑन क्वालिफाइंग थिंग्स, क्वालिफाई करता जा रहा है। दे आल्सो एक्सप्लोर द ह्यूमन माइंड, जो साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं इसमें, वो एक्सप्लोर की, ह्यूमन माइंड को एक्सप्लोर किया है। नॉट ए सिंगल प्लेस इज लेफ्ट टू एक्सप्लोर। वो बोल रहे हैं कि हमने इतनी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली, अब कुछ चीज़ बचा ही नहीं है। टॉक्स अबाउट दिस वर्ल्ड एंड सेज नथिंग कैन बी अनएक्सप्लोर्ड बाई ह्यूमन। ऐसा कुछ बचा ही नहीं है जो ह्यूमन ने एक्सप्लोर नहीं किया है, वो सब कुछ एक्सप्लोर कर चुके हैं, उन्होंने कोई भी ऐसा कोना छोड़ा ही नहीं है।
एग्ने में. एंड द सेकेंड स्टैंजा में वो बोलते हैं, ही सेज वी हैव एक्सप्लोर द आउटर वर्ल्ड, जो हमने आउटर वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर लिया है, बट वी हैव नॉट एक्सप्लोर द इनर वर्ल्ड, लेकिन हमने अपने अंदरूनी अपने इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर नहीं किया है. विच इज़ स्पिरिचुअल लव, वो क्या है जो स्पिरिचुअल लव है. वॉट इज साइन एंड, वो पूछते हैं सिन एंड लव क्या होता है, सिन एंड लव क्या होता है. इसमें स्पिरिचुअल लव वो पूछ रहे हैं, स्पिरिचुअल लव में सिन एंड लव क्या होता है. ही सेज हाउ कैन बी सिन एंड लव एक्सप्लोर, सिन और लव को कैसे एक्सप्लोर किया जाए. ठीक है, ही हिमसेल्फ आंसर दैट, इसमें इन्होंने क्वेश्चन भी पूछा है और आंसर भी कर रहे हैं. थोस हु वॉन्ट टू नो सिन शुड गो टू माउंट ऑफ ऑल ऑलिव्स, देर यू विल विलनेस द एग्ने ऑफ क्राई हु टुक अपॉन हिमसेल्फ ऑल क्राइस. इसमें ये बोलते हैं कि इसमें आंसर देते हुए कि शुड गो टू माउंट ऑफ, हमें माउंट ऑफ ऑलिव्स पे जाना चाहिए तभी हम इस एग को एक्सप्लोर कर पाएंगे. सिन होल्ड्स अप इन हिज टाइट ग्रिप, हमें सिन ने बहुत ही टाइट ग्रिप से पकड़ रखा है. लव इज सच ए स्वीट थिंग इन विच वी फील, लव इज लाइक वाइन, लव बहुत ही एक अच्छी स्वीट थिंग है, जैसे कि लव इज़ लाइक ए वाइन से कंपेयर किया है इन्होंने प्यार को. विच इज़ रिफ्रेशिंग एंड इंस्पायरिंग, बोलते हैं कि बहुत ही रिफ्रेशिंग, ताजगी देता है और इंस्पायर करता है हमें. एंड ऑन द डे ऑफ क्रिसमस एवरी क्रिश्चियन, वो हर क्रिश्चियन को बोल रहे हैं कि ऑन द डे ऑफ क्रिसमस एवरी क्रिश्चियन वाइन एंड ब्रेड टेस्ट करते हैं. वाइन का मतलब है सिम्बोलाइज द ब्लड ऑफ क्रिस्ट एंड ब्रेड सिम्बोलाइज द फ्लैश ऑफ क्रिस्ट. इसमें ब्लड वाइन जो है उसको वो सिम्बलाइज कर रहे हैं, ब्लड जो क्रिस्ट का था और ब्रेड को सिम्बलाइज द फ्लश ऑफ क्रिस्ट, फ्लश से रिप्रेजेंट सिम्बलाइज कर रहे हैं. जब हम ये दोनों चीज़ें लेते हैं इट शोज द लव ऑफ क्रिस्ट, तो हम दोनों चीज़ें ले रहे हैं वाइन एंड ब्रेड, तो वो लव ऑफ क्रिस्ट दिख रहा है. एंड इसमें ओपनिंग लाइन्स जो है वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ. एंड ओपनिंग लाइन्स कभी भी पूछी जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि किस राइटर ने ये ओपनिंग लाइन्स लिखी थी. ओपनिंग लाइन्स में फिलोसोफर्स हैव मेजर्ड माउंटेंस, टार्टन्स द डेप्थ ऑफ सीज ऑफ स्टेट एंड किंग, इसमें एक्सप्लोर कर लिया है फिलोसोफर्स ने, माउंटेंस को मेजर कर लिया है, सारा कुछ वो बता रहे हैं कि हमने कैसे हर चीज़ को एक्सप्लोर कर लिया है. एंड क्लोजिंग लाइन्स में है कि लव इज़ द लिंकर स्वीट एंड मोस्ट डिवाइन, विच माई गॉड फील्स एज ब्लड बट आई एज वाइन. तो ये इसकी लास्ट लाइन्स है, लव इज़ लाइक वाइन एंड इंस्पायरिंग. तो इसकी लास्ट लाइन्स है, आज हमने अपना कराया है जॉर्ज हर्बर्ट. आपको इसमें कोई भी डाउट हो और कुछ हो हम इसको डीप में भी करेंगे, अभी सिर्फ मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ. ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे.